अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ चटपटी दही फुल्कियों की रेसिपी। ये मैंने लिया है आधा किलो दही, घर की जमी दही है ये, जो मैंने ये सुबह जमा दिया था। इसे मैंने फेंट लिया है। ये मैंने लिया है बेसन 250 ग्राम, ये ज़ीरा लिया है, ये मैंने प्याज लिए, ये मैंने 4-5 लहसुन की कलियाँ ली हैं, 4 मिर्चें ली हैं, ये थोड़ा सा नमक लिया है। इसे मैं मिक्सी में पीस लूँगी, दही में ऐड करूँगी। ये मैंने 4-5 हरी मिर्चें ली हैं, ये थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, इसे धो के काट के फ्रेश कर लिया है मैंने, ये दही में ऐड करूँगी। ये बेसन में ऐड करूँगी मिर्चें, और ये प्याज बेसन में ऐड करूँगी, ज़ीरे का भंगार लगाऊंगी इसमें। पकौड़ियों की तैयारी करते हैं। ये मैंने मिर्च काट ली है, इसमें ऐड कर दूंगी बेसन में, ये कटी प्याज ऐड कर दूंगी, ये सोडा, खाने वाला सोडा है, इसे बेसन में डाल लो तो फुल्कियाँ अच्छी और नरम बनती हैं। ये एक चम्मच मैंने नमक लिया है, इन्हें भी बेसन में ऐड कर दूंगी। लाल मिर्ची ऐड करूंगी इसमें पिसी हुई 1 चम्मच। अब मैं इसे अच्छी तरीके से इसे फेंट लूंगी बेसन को, ताकि हमारी फुल्कियाँ अच्छी और नरम बने। ये देखिए मैंने तेल में फेंट रही हूँ, जितना अच्छा बेसन फिटेगा उतनी अच्छी हमारी फुल्कियाँ बनके तैयार होंगी। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे मैं फेंटूंगी, जितना अच्छा हमारा बेसन फिटेगा उतनी अच्छी हमारी फुल्कियाँ बनेंगी। ये देखिए 5 आप ऐसे बेसन फेंटिए, ऐसे बेसन फिटेगा बहुत अच्छा हो जाता है फिट के, इसमें एक भी गांठ नहीं रहती है, बहुत अच्छा हो जाता है। देखिए हमारा बेसन तैयार, देखिए हमारा बेसन तैयार है। अब मैं इससे फुल्की बनाऊंगी। दही में डालने के लिए ये मसाला है 4-5 लहसुन की कलियाँ, 4 मिर्चें, 1 चम्मच नमक, ये मैं पीस लूँगी इसे, थोड़ा सा पानी डाल के इसे मैं ग्राइंडर में पीस ले रही हूँ। हाँ, ये हमने मसाला पीस लिया है, दही में ऐड किया है, कर दिया है। ये इसमें हरा धनिया भी डाल दे रहे। अब इसे रईसे मिला दूंगी, अब हमारा ये दही फुल्कियों का, अब ये हमारा दही फुल्कियों का मिक्सचर तैयार है। अब मैं इसमें फुल्कियाँ डाल दूंगी। अब हम अपनी फुल्कियों को तलेंगे। तेल डाले ले रही हूँ मैं अंदाजे से। इसे तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे जब हम इसमें फुल्कियाँ डालेंगे। धन्यवाद।
हम दही में ऐड कर देंगे इन फुलकियों को। अब हम बचे हुए तेल में इसका भंगार बना लेंगे फुलकियों का। ज़ीरा डाल दिया है मैंने, ज़ीरा ज़रा भून जाएगा, चटकने लगेगा। अब हमारा ज़ीरा तैयार है।